अभी बोलो। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, इस आप गठबंधन से खड़े, क्या मुद्दे होंगे, लोग क्यों वोट दे आपको, ट्रायंगुलर फाइट है, किस तरह से आपकी रणनीति होगी चुनाव में? अभी जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है तो पब्लिक की डिमांड है कि आप खड़े रहो पहली बात तो, तो उन्हें डिसाइड ये किया कि भाई आप टिकट लेके आओ, हम पूरा पूरी पब्लिक आपके साथ में है। अभी तक औरंगाबाद की हालत ऐसे है कि अभी तक अपने को सही कैंडिडेट नहीं मिला, सही MLA नहीं मिला, तो सब लोगों की डिमांड है कि आप खड़ रहे हो बोल के। तो फिर पहले कांग्रेस पार्टी के ने गए थे मैं टिकट लाने के लिए, तो उन्होंने बोले हमारे यूटी होगी, बोले यूटी होने के बाद में फिर मैं आबू हाशमी साहब से मिला, उन्होंने बोले आपका मतलब एक ही घर में तीन कैंडिडेट है, तो ये मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा है पब्लिक में, तो ये टिकट आपको देना चाहिए। कई विकास के मुद्दे हैं, ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, दलित और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, इस इलाके में तरक्की के पिछले 25 साल में कोई बड़े काम नहीं हुए, आपके दिमाग में क्या है और किस तरह से आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या विकास करेंगे, इसकी भी थोड़ी जानकारी। अब इंशाल्लाह वो कैसा है, चुन के आने के बाद तो मैं जो डेवलपमेंट करूँगा, सब में पहले पानी का मुद्दा है, फिर जो अपने बहुत सारे जो रोड के मसले हैं, देखो जिधर भी गए तो उधर अपने तरफ डेवलप ही कहा हुआ फिलहाल में, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा काम करूं कि सब में हट के काम करूं, जो पब्लिक चाहती है वो काम करूं, पब्लिक में से बहुत उम्मीद रखती है कि मैं आने के बाद कुछ ना कुछ करूंगा उनके लिए, रोजगारों के लिए, बच्चों, नौजवान, रोजगारों के लिए कुछ नौजवानों के लिए, मेरे से ऐसा नहीं भी हुआ तो बहुत सारे लोगों को मैंने लगाया हुआ है, इंशाल्लाह चुन के आने के बाद तो जितनी बेकारी है मैं पूरी हटाने की कोशिश करूँगा। कलीम भाई, मुद्दा क्या रहेगा आपका? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके तीन कॉर्पोरेटर है, चार कॉर्पोरेटर लगभग, औरंगाबाद में पिछले दो साल से सबसे बड़ा मुद्दा कचरे का रहा और पानी का मुद्दा रहा, सड़कें की भी खस्ता हाल है, ये कॉर्पोरेशन में आपके नुमाइंदे रहने के बावजूद भी ये वो तरक्की नहीं हुई औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ की, तो आपके पास ऐसा क्या व्यूज़ है, क्या आपके पास मोटिवेशन है कि आप उसको करेंगे, कुछ आपने घोषणा पत्र भी बनाया है चुनाव लड़ने से पहले? देखिए साहब, सोच के तो बहुत सारा रखा हूँ मैंने कि क्या क्या डेवलपमेंट करूँगा, इंशाल्लाह अभी माहौल के हिसाब से चुन के तो मैं जाने वाला है, हाँ, और उसके अंदर जो भी अभी है मेरे को तो दूसरे पक्ष के बारे में बोलना नहीं, मेरे सिर्फ एक ही पार्टी से झगड़ा रहेगा, वो सिर्फ ओनली वन भाजपा, जो अभी जो माहौल चल रहा है, जो 370 का कलम चाहे, जो हमारे अभी जो न्यूज़ आ रही है मुझे क्या भाई इतने हालत बेकार है, तो इसलिए पब्लिक ने बोले यार अपना एक ना कोई बंदा होना चाहिए विधानसभा के अंदर बोलना चाहिए, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, इंशाल्लाह एक बार मैं विधानसभा में एंट्री करूँगा तो बहुत सारा पूरी पब्लिक के लिए पूरा माहौल चेंज कर डालूंगा। आप चुन के आने के बाद में आपकी क्या दिली ख्वाहिश रहेंगी, क्या औरंगाबाद की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये आवाम ने तो डिक्लेयर किया मुझे, ये आवाम जो देख रही है अभी अभी बहुत सारे जो भी है भावनिक हो गए थे लोग, क्या बोले नहीं ये लहर को बंद करो बोले, और कलीम कुरैशी साहब बोले आप खड़े रहो बोले, आपके पीछे पूरी पब्लिक है, पूरी मेजोरिटी है बोले, और कोई ये पैसे से बुलाए वाली पब्लिक नहीं है, ये दिल से आई हुई है पूरी पब्लिक। औरंगाबाद शहर में MIM का दबदबा है, उससे मुकाबला कैसा करेंगे आप? MIM तो मेरे टक्कर में नहीं है साहब, MIM का तो कैसा है, MIM का तो विशेष नहीं है, मेरी फ्री फाइट ओनली वन भाजपा से है, MIM का तो विशेष नहीं है मेरे पास में, मेरी जो भी फाइट रहेंगी भाजपा से रहेंगे, इसलिए ठीक, ओके, थैंक यू।